मुंबई, गोवंडी जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लोगों के लिए आज एक सबसे बड़ी समस्या नवयुवकों में बढ़ता नशा व नशेड़ियों के जरिए की जाने वाली वारदातें सरदर्द बनती जा रही है। पिछले दिनों 17 वर्षीय नवयुवक की सरेआम हुई हत्या व इस मामले में फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी न होने के सबब इस मुद्दे को उभर कर रख दिया है। इस घटना के बाद से स्थानिक नौजवान व तकरीबन सभी पार्टियों के नेताओं ने एक मंच पर आकर क्षेत्र से नशे जैसी लानत को बाहर फेंकने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, जहां एक तरफ इन नशा बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले दिनों कई लोगों ने भूख हड़ताल की, वहीं आज बैगनवाड़ी रोड नंबर 12 के समाज कल्याण केंद्र में जमा लोगों का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मार्गदर्शन किया और इस नशा विरोधी मुहिम को सर अंजान तक पहुँचाने के लिए एक संस्था का गठन कर आने वाले दिनों में शुरू अपने आंदोलन की तैयार रूपरेखा के बारे में लोगों को बताया है। देखिए, वजह यह है कि नशे का व्यापार जो है पूरी तरह से अपने ज़मीन को उसने पकड़ लिया हुआ है। वो सिस्टम में भी इन्वॉल्व हो चुका है, सिस्टम के कई ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और इसको निकाल पाना मतलब एक दो दिन का काम नहीं है। तो हम लोगों की बार बार मीटिंगें पब्लिक से भी हो रही है और बार बार हम DCP और सीनियर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर से भी मिल रहे हैं कि किस तरह से इसको कर्व किया जाए। वो भी अपने प्लान में लगे हुए हैं, हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यही चल रहा है कि पुलिस का कोई एक ऐसा दस्ता तैयार किया जाए जो भले शिवाजी नगर लोकल ना हो और बाहर से वो आवे और वो यहाँ के कुछ लोग हों जो इसके ऊपर एक्टिवली काम कर सके। दोनों का दस्ता मिलाकर जो है शिवाजी नगर के अंदर आइडेंटिफाई करके कि कहाँ कहाँ बिकता है। जैसे जनता बता रही नहीं, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, लिखित कंप्लेंट्स आए कि हमारे प्लॉट में बिकता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके एक एक टाइम जो सही लगे जहाँ पर दस्ता तैयार हो जाए उसके बाद इनके ऊपर अंकुश लगाने की जो है प्लानिंग चल रही है। जिस दिन अपने वो बच्चा जो है अहमद पठान, उसका कत्ल हुआ था 10 अगस्त से और पता चला कि नशे की वजह से लोगों ने उसको मार डाला है, बच्चों ने, 3 जुवेनाइल्स ने, उसी दिन से एक मुहिम छेड़ दी थी कि नशे के खिलाफ हमको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और उसके बाद हमने ACP DCP से मुलाकात की। ACP DCP ने अश्योरेंस की दिया था कि हम लोग जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे, मास्टरमाइंड जो भुट्टो अभी तक अब्सकॉन्डिंग है उसको पकड़ेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। उसके बाद नशा बढ़ते जा रहा है, किसी को कोई कोमिंग ऑपरेशन हुआ नहीं है, उसके बाद कोई पेडलर पकड़ा नहीं गया है। तो हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक करने के बाद उस दिन हमारे जो अभी नवनिर्वाचित MP है संजय दीना पाटिल साहब, वो आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप लोग इस मुहिम को आगे कीजिए, अब मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। हम आप पूरे जितने भी गोवंडी में मस्जिद मदरसे है, कमिटीज़ है, मंडल है, सारे लोगों को आप जाइए मिलिए और उनसे सबसे लेटर लीजिए, फिर हम लोग जो भी है नारकोटिक्स वाले, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर है, CP है, DCM है, CM है, सबके पास हम जाएंगे और इस तरह से हम इस जो नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ दिए है उसको हम पूरा लड़ते जाएंगे। जगह जगह मीटिंग करने का मकसद ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल से हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरी कोई सुनता नहीं है, पुलिस नहीं सुनती है, जो होम मिनिस्टर है वो नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं। तो ये बेबसी उनकी हमें यानी अच्छी नहीं लग रही देख के किस तरीके से एक जनता के जरिए चुने गए हमारे MLA साहब, जिसको गोवंडी की जनता ने 3-3 बार जिताया है और वो अपने आप को यहाँ पर अगर लोकली देखेंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मैं आम आदमी पार्टी से कोई कांग्रेस के हैं, कुछ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर अगर उनको जवाब देना होता है तो यानी एकदम रुआब से जवाब देते हैं, डराते हैं कि अरे हाशिम भाई का सामने कोई लड़े नहीं सकता है, ऐसा वैसा जो भी XYZ। तो कहने का मतलब हमारा मकसद ये है कि भाई हम लोगों को गोवंडी कर लोगों को जगाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है और आज से 15 साल पहले चीज़ें नहीं हुआ करती थी, 15 साल पहले भी गोवंडी था और आज भी गोवंडी है और जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहा है हमारे विधायक जी का वैसे वैसे नशा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। 15 साल पहले यहाँ नशा नाम के बराबर नशा था, आज खाली आप वाशी ब्रिज क्रॉस कर दोगे ना आप, वहाँ पे आपको एक गुटखा लेने के लिए ना 10 पान पट्टी घूमना पड़ेगा, यहाँ पर नशा लेने के लिए ना आपको 1 से 2 जगह जाओगे आपको नशा मिल जाएगा। तो इतने आसानी से यहाँ नशा मिल रहा है जो कि बाहर साइड में गुटखा नहीं मिलता है इतने आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो हमारे जो सत्ता में बैठे लोग वो हैं
उसके बाद पब्लिक है। बेशक आप जो हमेशा बोलते हो ना कि आवाम जिम्मेदार है, आवाम अपना घर वाले जिम्मेदार है, अपने बच्चों को नहीं सुधारते, बेशक आपकी बात सब सही है, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम आसानी से अगर मिलेगी तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोग ले जाके करेंगे। आप वो आसानी से चीज़ें मिलना बंद करवा दीजिए ना, वो नशा इतने आसानी से अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी नशा नहीं करेगा। यहाँ पर लोग वाशी से, नवी मुंबई से, बॉम्बे से लोग आते हैं नशा लेने के लिए, और यहाँ की पुलिस भी जानती है, हमारे यहाँ के नेता भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और अब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलते हैं कि हम लोग गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं। आपने खुद विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हमारे यहाँ पे क्राइम बढ़ा है, हमारे यहाँ पे नशा बहुत है, तो आपने विधानसभा के अंदर चिल्ला के बोला, विधानसभा पूरे महाराष्ट्र के लोग, पूरे इंडिया के लोग देखे हैं आपको, तो आप हमको मत बोलो हमने बदनाम किया है। आप इसके ज़िम्मेदार हैं और ये बदनामी के आप ज़िम्मेदार हैं, और बदनामी नहीं है भाई। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को हमको दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाना है ताकि वो बुराई का इलाज हो, उस बुराई को ख़त्म किया जा सके। अगर हम उसको अपने आप में रखेंगे, हम पब्लिकली नहीं लाएंगे वो चीज़ें, ख़त्म नहीं होने वाली, और वही हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए संघर्ष किया जा रहा है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इसके अंदर, बहुत से एक्टिविस्ट लोग हैं, बहुत से समाज के इंडिविजुअल लोग हैं जो अपने लेवल पे इस बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। पिछले 15 सालों से किसी ने, यानी इसने बड़े पैमाने पे आवाज़ नहीं उठाई थी, आज हम सबकी एक ताकत मिलके हमने आवाज़ उठाई है, और इंशाल्लाह ये आने वाला इलेक्शन जो है, आने वाला जो इलेक्शन जो अभी होने वाला है, ये गोवंडी की जनता किसी चीज़ पर नहीं वोट करेगी, नशे के ख़िलाफ़ वोट करेगी। 15 सालों में जो नशा बढ़ा है उसके वजह से वोट करेगी, इसलिए ये इलेक्शन जो होने वाला है वो नशे के ऊपर होने वाला है। बाद में हिंदू मुस्लिम ये नहीं चलने वाला है यहाँ पर। अभी मैं अपने मौलानाओं को भी बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के जो मौलाना लोग जो है, एक प्रोग्राम रखा जाता है आयशा हॉल के अंदर, बोलते हैं कि सारे मसलक के लोगों को बुलाया जाएगा, बाद में उनके अंदर वो आशिम आदमी साहब आ जाते हैं। मौलानाओं को क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? अगर मौलाना का इस्तेमाल करना है आपको तो नशे के ऊपर करो ना, और हमारे मौलानाओं को